जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सभी पद्मश्री डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर जी की शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। शताब्दी वर्ष के दौरान इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के आज दृश्य विभाग द्वारा कई कार्यक्रमों का आयोजन भारत के अनेक शहरों में किया गया। इसी कड़ी में विभाग द्वारा एक वर्चुअल एग्जीबिशन द लीगेसी ऑफ डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर का आयोजन आज किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी में श्री वाकणकर जी की बहुआयामी व्यक्तित्व का एक दृश्य देखने को मिलेगा। हरिभाव एक कला साधक, हरिभाव एक स्वतंत्रता सेनानी, हरिभाव एक संघ स्वयं सेवक, हरिभाव एक इतिहासकार, हरिभाव एक पुरातत्ववेता, हरिभाव एक मुद्रा शास्त्री, हरिभाव द्वारा की हुई कुछ प्रमुख खोज, हरिभाव भारतीय शेर शोध के भीष्म पितामह, हरिभाव बिम्बेटका की खोज, हरिभाव का सरस्वती शोध अभियान एवं हरिभाव का महानिर्वाण प्रदर्शित हो। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में एक रॉक आर्ट डिवीज़न है, वो रॉक आर्ट के बारे में अध्ययन करता है। तो जब हम रॉक आर्ट की बात करते हैं, जिसे फिर हमने विचार किया कि रॉक आर्ट ये ज़रा विदेशी सा नाम है, तो हमने उसे आदि दृश्य विभाग कहा। और आदि दृश्य विभाग इसलिए कहा कि ये वो तमाम दृश्य हैं हमारी सभ्यता और संस्कृति के, जिसके चितौरों को हम जानते नहीं, ये किन्होंने बनाए, क्यों बनाए, कैसे बनाए, लेकिन वो कई हज़ार साल बाद भी हमारे बीच हैं। और वो कई हज़ार साल बाद हमारे बीच इसलिए हैं ताकि वो हमें हमारी सभ्यता के बारे में, हमारी संस्कृति के बारे में, हमें हमारी जीवन शैली के बारे में बता सके। और इससे मालूम पड़ता है कि हमारा लीनेज कितना पुराना है, हमारी परम्परा कितनी पुरातन है, जो 10,000 वर्ष पहले तक जाती है। यानी जब लोग भारत के बारे में बात करते हैं, और विशेषकर विदेशों में, और आजकल तो भारत ही भी कुछ लोग इस बारे में शुरू हो गए हैं कि हमारी कौन सी परंपरा है और कितनी पुरानी है और हमारा कहीं कोई इतिहास है कि नहीं, तो उन्हें ये बताना बहुत ज़रूरी होता है कि आज से 10,000 साल पहले भी यहाँ रहने वाले लोग कितने सभ्य थे, कितने विकसित थे, कितने आधुनिक थे, कितने ज़्यादा सोच वाले थे, कितने ज़्यादा रचनात्मकता वाले थे। और ये सब खोजने का बहुत बड़ा काम आदरणीय वाकणकर जी ने किया। एक तरह से अगर हम उन्हें भारत में इस आदि दृश्य यानी रॉक आर्ट का जनक कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी।
अगर आप भोपाल से रेल से नागपुर की तरफ जा रहे हों और अबेदुल्लागंज जब आप पार करते हैं तो आपकी दाहिनी तरफ अगर आप देखें तो पहाड़ पर तीन शिलाएं आपका ध्यान आकर्षित करती हैं। वो तीनों शिलाएं इतने अनूठे ढंग से वो प्रकृति द्वारा रखी गई हैं कि जिस व्यक्ति में भी थोड़ी सी रचनात्मकता है वो उसे देख के आकर्षित होता है। लेकिन हम में से कितने होंगे जिन्होंने उतर कर वहाँ परिश्रम किया होगा देखने का कि दरअसल इन शिलाओं के पीछे है क्या। 1958 में वाकणकर जी वहाँ उतरते हैं, जाते हैं, उन शिलाओं की खोज करते हैं और वहाँ पर भीमबेटका नाम की गुफाओं का आविष्कार करते हैं। ये लोगों को बताते हैं कि आज से 10,000 साल पहले ये भीमबेटका की गुफाएं थीं, यहाँ पर ये तमाम चित्र जो विभिन्न नैसर्गिक रंगों से प्राकृतिक रंगों से बनाए गए हैं, जिसमें विवाह का है, मेले का दृश्य है, प्रोसेशन का दृश्य है, युद्ध के दृश्य हैं, आखेट के दृश्य हैं, ऐसे दृश्य वाकणकर जी ने वहाँ खोज निकाले और समूचे विश्व के सामने रखे।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में हमने आज से 3 साल पहले काम संभाला, तो हम लोगों के मन में आया कि जब हम रॉक आर्ट की बात कर रहे हैं तो निस्संदेह हमें इस समूचे विभाग को वाकणकर जी को समर्पित करना चाहिए। इसलिए हमने 2 निश्चय किए। पहला तो ये कि हम वाकणकर जी की स्मृति में हर साल एक स्मारक व्याख्यान करेंगे, जिसमें देश के रॉक आर्ट से संबंधित किसी विद्वान मनीषी को आमंत्रित करेंगे और उनसे इस विषय पर बात करने के लिए कहेंगे। और दूसरा ये कि हम वाकणकर जी के निमित्त भारत में रॉक आर्ट की एक स्थायी गैलरी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में बनाएंगे। वाकणकर जी जैसा व्यक्ति जो हमेशा पर्दे के पीछे रह के काम करता रहा, अपने आप को उस काम में झोंक के काम करता रहा, किसी प्रसिद्धि की प्रत्याशा में नहीं, किसी श्रेय की प्रत्याशा में नहीं, तो इसलिए जितना महत्व उन्हें अपने इस काम के लिए मिलना चाहिए था उन्हें मिला नहीं। तो हमारा सबका ये दायित्व बनता है कि कम से कम अब हम उन्हें उस तमाम काम के लिए, उन तमाम बातों के लिए उनको श्रेय दें जिसके कारण से आज हम अपनी सभ्यता पर गर्व करते हैं।
शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के आदि दृश्य विभाग द्वारा देश के विभिन्न राज्यों में अनेक प्रदर्शनियां, कार्यशालाएं, सेमिनार आदि का आयोजन एवं अनेक पुस्तकों का विमोचन भी किया गया, जिनमें से एक सेमिनार और प्रदर्शनी मई 2019 को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र परिसर में आयोजित की गई। एक मोबाइल एग्जीबिशन सितंबर 2019 को लखनऊ यूनिवर्सिटी के परिसर में आयोजित की गई। एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन अप्रैल 2019 में दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न विषयों के विद्वानों ने हिस्सा लिया और एक महत्वपूर्ण आर्टिस्ट वर्कशॉप का आयोजन नवंबर 2019 में बिम्बेट का राकार साइट पे किया गया, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए प्रसिद्ध कलाकारों ने भाग लिया। ये कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा। शताब्दी वर्ष समारोह के संदर्भ में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में 2019 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के परिसर में किया गया, जिसमें मिस सुमिता नागदेव ने सितार वादन की प्रस्तुति की।